एटा के जलेसर बेरनी से ऊंचा गांव मार्ग पर नहर का पुल टूटने से ट्रैक्टर गिरा नहर में, एक व्यक्ति गंभीर रूप से हुआ घायल। आगरा के लिए किया गया रेफर। साथ ही एटा में अवैध शस्त्र फैक्ट्री चलाने वाले दो पेशेवर शातिर असलाहा तस्कर पुलिस मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार। 26 तमंचे, 4 जिंदा व 8 खोखा कारतूस, भारी मात्रा में शस्त्र बनाने के उपकरण हुए बरामद। झांसी में बड़े ही धूमधाम से निकाली गई शिव बारात, भारी संख्या में महिलाएं व पुरुष बारात में हुए शामिल। महिलाओं ने निकाली कलश यात्रा। हाथरस के हसायन में माधव सेवा समिति के तत्वाधान में महाशिवरात्रि के अवसर पर निकाली गई महाकाल भगवान शिव की बारात, सीता काट कर किया गया यात्रा का शुभारंभ। ममता की चोटिल होने के चलते आज नहीं जारी होगा चुनावी घोषणा पत्र, शिकायत दर्ज कराने को चुनाव आयोग कार्यालय पहुंचे टीएमसी नेता। प्रदर्शनकारी किसानों की घटती संख्या से चिंतित संयुक्त किसान मोर्चा राकेश टिकैत भी हुए हैरान। कृषि कानूनों पर सरकार के खिलाफ नारे लगाने वाले रवनीत सिंह बिट्टू होंगे लोकसभा में कांग्रेस के नेता। भगवद गीता के किंडल वर्जन को लॉन्च करते हुए बोले पीएम मोदी, यह प्रयास युवाओं को जोड़ेगा। बिहार में शराबबंदी पर हमलावर हुए तेजस्वी, बोले सीएम नीतीश सबसे बड़े शराब माफिया, उनके एमएलए लगाते हैं नशे में ठुमके। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा ऐलान, नागपुर में 15 मार्च से 21 मार्च तक पूर्ण लॉकडाउन। पीएम मोदी की मां हीराबेन को लगा कोरोना का टीका, प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके दी खुद जानकारी। देश में अब तक की दी गई वैक्सीन की 2.56 करोड़ डोज, 24 घंटे में 13 लाख से अधिक को लगेगा टीका। मुफ्त में मिलेगा नया पीवीसी आयुष्मान भारत कार्ड, लाभार्थियों को जल्द मुहैया कराएगी सरकार। महाशिवरात्रि के दिन उत्तर भारत में झमाझम बारिश होने के आसार, आईएमडी ने जारी किया अलर्ट। मध्य प्रदेश में पत्नी पर शक को लेकर पति ने पत्नी के साथ किया क्रूर व्यवहार, काट दिए हाथ और पैर। मध्य प्रदेश मंदसौर में क्षतिग्रस्त की गई गांधी प्रतिमा, पुलिस ने लगाया बंदरों पर आरोप। उइगर मुस्लिमों के लिए आगे आया अमेरिका, चीन से अब होगी सख्ती से बात, 18 मार्च का इंतजार। जापान आपदाओं के 10 साल पूरे, राष्ट्रपति ने मौन रख दी श्रद्धांजलि। पड़ोसी देशों में भी महाशिवरात्रि की धूम, श्रीलंका में भारतीय उच्चायुक्त ने की पूजा अर्चना। एक दोहरा शतक और दो शतक लगाकर पृथ्वी शॉ ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, दिग्गजों को छोड़ा पीछे। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर ने न्यूजीलैंड के विकेट कीपर को किया टीम में शामिल, लेंगे जोस फिलिपे की जगह। तूफान के नए पोस्टर में दिखा फरहान और मृणाल ठाकुर का रोमांटिक मूड, कल रिलीज होगा फिल्म का टीजर। जानवी कपूर की हॉरर कॉमेडी फिल्म रूही देखकर भावुक हुए बोनी कपूर, बोले श्रीदेवी को बेटी पर गर्व होता। राष्ट्रपति कोविंद बोले नई शिक्षा नीति का उद्देश्य क्रांतिकारी बदलाव लाने के लिए युवाओं को सही शिक्षा देना है। भारत डायनेमिक्स में बीटेक और एमबीए पास युवाओं के लिए निकली वैकेंसी, 31 मार्च तक करें आवेदन।